हेलो गाइस, ये आ चुका है मेरे पास बॉक्स उस प्रोडक्ट का जिस प्रोडक्ट के बारे में आज वीडियो होने वाली है। सिंपल सी बात है, एक्यूप्रेशर का ही कोई प्रोडक्ट होगा। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कुछ दोस्तों की, उन्होंने बोला था कि कुछ एक्यूप्रेशर के स्लीपर्स के बारे में भी वीडियो बनाओ। तो ये प्रोडक्ट आया है अप्रोक्स 300 रुपये का ये, और ये मेरे को पड़ा है अप्रोक्स 240 रुपये का, क्योंकि अब सेल चल रही थी तो मैं उसमें मंगाया है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है एक्यूप्रेशर का स्लीपर, और इसको योगा पादुका भी बोलते हैं। इसको इनबॉक्स करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर इसकी सारी आपको बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा मतलब कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। लेने के लिए मैं पहले आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। योगा पादुका ये एक स्प्रिंग एक्यूप्रेशर भी बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक थेरेपी भी बोलते हैं एक्यूप्रेशर की। ये अगर आपको डॉक्टर वगैरह हो तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। और इसका मैं रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियली प्रोडक्ट है। मेरे पास पहले रखा हुआ था, वो टूट गई है, अभी दूसरी मैंने मंगाई है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे पैकिंग में आती है। मैंने वैसे तो अमेजोन से मंगाई है, अमेजोन से ज़्यादा अच्छी आती है, और आप भी अमेजोन से ही मंगाएं। इसके फ़ायदे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपका जितना भी बॉडी में जो जो ऑर्गन्स एक्टिवेट रहते हैं 24 घंटे, वैसे तो सारे रहते हैं पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑर्गन्स होते हैं जो मतलब हर टाइम ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, सब काम करते हैं, वो जिनमें जोड़ों में दर्द वगैरह 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 सब चीज़ का एकमात्र सोल्यूशन है ये एक्यूप्रेशर पादुका, मतलब एक्यूप्रेशर की चप्पल। तो ये किडनी अटरस कॉलब्लेडर कॉलन वगैरह आपकी एनस लीवर पैन क्रियाज किडनी हेडक और जितने भी मतलब जॉइंट वगैरह सब चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये बनाया गया है चार्ट बनाया गया है, इसमें सभी चीज़ दिखाई हुई है। तो ये आपको मतलब आपको एक तरीके से बिल्कुल पेन रिलीफ कर देगा। और इसको करते हैं, मैं एक बार अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ आपको ये कैसे अनबॉक्स करेगी, क्योंकि ये भी ना दो तरह की होती है। एक जो सोप पे से मिलती है वो दाने दाने वाली रबड़ वाली, वो आपकी एक दो दिन में घिस जाती है और आपको पता भी नहीं लगता कि आप एक्यूप्रेशर वाली चप्पल पहन रहे हो, वो कभी मत लेना भूल के भी, उसमें पैसे वेस्ट है। ये मैंने खोल दी है, ये योगा पादुका ऐसी आई है, मतलब ऐसी सेम टू सेम मैं आपके सामने ही अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है। तो ये ऐसी आई है, और ये इसमें स्प्रिंग्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्प्रिंग्स, और स्प्रिंग्स के ऊपर दिए गए हैं दाने, और ये प्लास्टिक की है, और इसमें एक चिपकाने की ऊपर वो भी दी गई वेलक्रो टाइप, इससे आप टाइट छोटी बड़ी किसी को ये एक दो साइज आते हैं शायद, और ये छोटी बड़ी कर सकते हैं इसको आराम से, और ऊपर से टाइट भी कर सकते हैं, जैसे आप सैंडल को स्टिप ग्रिप लेते हैं वहाँ पर चिपका सकते हैं, सेम टू सेम उसी की तरह की है। आप सबसे बड़ी बात पोर्टेबल है, और आप नाते टाइम सब काम करते टाइम इसको पहन सकते हैं, सबसे बढ़िया बात। और इसमें मैं आपको बता दूँ इसमें खास बात क्या है, अब आप इसके स्प्रिंग्स को ध्यान से देखना प्लीज़, ये अगर नीचे जा रहा है पर ये घूम भी रहा है, हल्का सा रोटेट होता है। रोटेट होने से क्या होता है, जो आपकी मसल्स होती है पैर के तलवों में, जो नर्व होती है पॉइंट होती है उनको, जो बहुत ही ऐसे पॉइंट हो जाते हैं मतलब जो बहुत टाइम से आपने ये थेरेपी नहीं की, तो उनको एकदम से एक्टिवेट कर देती है। और ये भी कई टाइप्स की आती है, मतलब अगर आप देखने जाओगे अमेजोन वगैरह पे तो कई टाइप्स की आती है। तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्प्रिंग्स नहीं घूमते एकदम यहाँ पे सेट होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिनके स्प्रिंग्स घूमते हैं, तो आप पहचानोगे कब। तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, खरीदना ना खरीदना वो आपकी जिम्मेदारी। ओके, तो ये है सब चीज़ एक्यूप्रेशर की योगा पादुका, ठीक है। और इस सबसे खास बात बता दूँ, इसको मतलब सारी बॉडी के ऑर्गन्स को एक्टिवेट रखती है, सबसे बड़ी बात स्लीपिंग की, मतलब सभी को मैं बता चुका हूँ जो एक्यूप्रेशर किट काम करती है वो एक ही पोर्टेबल तरीका है, ना तो आपको उसको टाइम देना, 5 मिनट नहीं देनी, 10 मिनट नहीं देनी, बस आए ऑफिस से पहन ली, थोड़ा शाम को घूम लिया कहीं, उसी में आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपको बहुत ही अच्छी ये मतलब ऐसे देता है कि अच्छा आपको फील होता है अगर आपके मतलब आपकी। और ये मैं रिकमेंड करूँगा मोस्टली एज 30 से ज़्यादा ही पहने, क्योंकि 30 से कम को तो ये एप्लीकेबल भी नहीं होती, क्योंकि अभी तो आप बच्चे 30 से कम वाली एज में आपके ऑर्गन्स तो सभी एक्टिवेट रहते ही है। इनकी आदत आप डालिए भी मत, कि मैं बता रहा हूँ वीडियो में, इनकी आदत आप तभी डालिए जब आपको रियलिटी में इनकी आदत हो, ठीक है। तो मैं आपको वो पहन के भी दिखा देता हूँ चप्पल। देखो मेरा पैर का जो नंबर है वो 9 है, और इस चप्पल का नंबर है शायद 8, 8 ही मिला था मेरे को, मैंने वहाँ से मंगा लिया, पर अभी ठीक बैठ रहा है। और इसको इसमें जो ये एडजस्टेबल ग्रिप दी गई है आगे चिपकाने की, ये बड़ी ही अच्छी लगी है। और ध्यान से देखो, अगर मैं चलता भी हूँ तो ऐसे नहीं कि मैं भूल जाऊँगा इसको पहन के, मोस्टली दुकान वाली चप्पलें होती हैं उनको हम पहन के भूल जाते हैं, क्योंकि सब पॉइंट एक ही जगह होते हैं। इसमें स्प्रिंग सब घूमते रहते हैं, जैसे हम इस पे पैर पे अपना जोर देंगे तो इसका स्प्रिंग घूमेगा, और आपके पैरों में दोबारा से हलचल मतलब व्हील्स में आपको फिर से पता लगेगा कि हाँ आपने पहनी हुई है। और ये एडजस्टेबल ग्रिप है, देखो जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ तो मैं मतलब जो अगर किसका पैर बड़ा है तो वो भी इसको आराम से पहन सकता है, ठीक है। और मैं और आपको क्या बताऊँ इसके बारे में, अच्छी है, थोड़ी भारी है वैसे,
कोई नहीं, अगर भारी है तो कम पहन लेना, पर इसको आप ट्राई करो, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिसल हो, ऑफिस वर्क ज़्यादा है, और कुछ ज़्यादा है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं एक बार। ओके, तो मैंने आपको इसके फ़ायदे तो, और देखो इस पर ध्यान से आप देखोगे, इस पर चार्ट वही बना हुआ है जो डब्बे के ऊपर बना हुआ था, कोलन एनस सबके पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बाकायदा। तो आप इनको ट्राई कीजिए, और सबसे अच्छी तो बात है कि मतलब ये पोर्टेबल है, और ये सबसे ये जो लेडीज़ माता बहनें होती हैं उनके लिए भी ये काम आता है, उनके पीरियड्स के टाइम पे, मतलब जब उनके पेन्स वगैरह होता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। पेन रिलीवर है ये, हर तरीके का पेन, आपके जो भी आपके बॉडी में पेन होता है उसका रिलीवर है एक तरीके का। ओके फ्रेंड्स, ये आप मैं देख लो चार्ट में, यहाँ पे रेक्टम एनस और सब चीज़ जेंटल वगैरह सब लिखे हुए हैं, और आप ये वही है, सिर्फ उसी के लिए है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये सब एक्यूप्रेशर की चप्पल के बारे में आज आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्यों अच्छी नहीं लगी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके ओके फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे, हैव ए हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं कुछ दिनों में अगली वीडियो में, कुछ मैं अच्छा लाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको कुछ अच्छा मतलब आपको कोई प्रोडक्ट का रिव्यू कराना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन कमेंट कर दीजिए, मैं प्रोडक्ट लेके आ जाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।